सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो एक्चुअली मुझे आपको एक फेस वॉश के बारे में बताना था जो कि एप्पल फेस वॉश है वाओ एंड फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी like, काफ़ इफेक्टिव है लाइक मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए फेस वॉश के लिए लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा लगे ऑल्सो इसके ऊपर जब आपको फ्रंट में मतलब ऊपर एक ब्रश मिलता है सो so इसको जब आप ब्रश से लगाते हो तो आपको जो स्किन का ब्लड फ्लो है काफ़ी इंक्रीज होता है और ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ब्रश अगर आपके स्किन के को ऊपर कोई बारीक पिंपल है या फिर अगर कोई डार्क स्पॉट है तो वो भी काफी हद तक रिड्यूस जाता है एंड इसके अंदर जो रियल आपको एप्पल मिलता है फ्रॉम हिमालयन एंड अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए आपको यह बताया रहा है सच में इसके अंदर जो एप्पल मिलता है एंड मैंने उसको काफ़ी दो से तीन हफ्ते तो यूज़ किया है एंड मुझे अरे काफ़ी अच्छा लगा है तो एक बार आप यूज़ कर लो आपको जो है एक ही उसमें आप इसका डिफ्रेंस समझ जाएगा कि पहले आपको फेस पर कै कैसा बाद में कैसा है सो लिंक दे डिस्क्रिप्शन में अगर बाय करें तो कर लो एंड सच में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है सो सोलो फ्रेंड्स मैं दर्शन और फ्रेंड्स यहाँ पे के ने अपनी आर सी वन ट्वेंटी फाइव को भी जो है बी एस सिक्स में लाइनअप कर दिया है एंड uh, मैंने पहले जो है ड्यूक टू हंड्रेड ड्यूक टू फिफ्टी एडवेंचर इन सब बाइक्स का जो है बी एस सिक्स में रिव्यू किया है मेरे चैनल पे एक अलग सा प्ले लिस्ट है ऑफ के टी एम बाइक्स तो देखना हो तो देख लेना है बी एस सिक्स में तो अभी आज मैं बात करता हूँ अब बट तो आर सी वन ट्वेंटी फाइव एंड दोस्तों आर सी वन ट्वेंटी फाइव को जो है लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था Uh, इसके लिए जो मैं अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था लेकिन अब आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा मैं ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑन आर सी वन ट्वेंटी फाइव हो सकता है शायद किसी को अच्छा लगे ना लगे तो जैसा भी है जो भी है बता देना लेकिन मैं जो आपको सच बताने वाला हूँ सो वो एक है और uh... देखते हैं दोस्तों भी बात कर दूँगा आपको इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग के बारे में देखता हो चेंजेस क्या क्या हुए एंड uh, फिर ओन शॉप में इसको बता दूंगा एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँगा आपको और फिर अगर आप चाहते हो तो आगे एक फुल टेस्टेड रिव्यू भी लेके आऊंगा सो so, अब दोस्तों मैं अगर बात कर लूँ स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस से तो चेंजेस uh, लुक्स एंड डिज़ाइन के सेगमेंट में कोई भी हुआ नहीं है ग्राफिक्स काफी अट्रेक्टिव मिल रहा है उसके बारे में जरूर बोलना पड़ेगा के डी एम को थम्सअप बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स है ऑन आर सी वन ट्वेंटी फाइव अगर मैं आर सी टू हंड्रेड की भी बात कर लूँ या फिर आर सी थ्री नाइनटी की भी तो उन सबसे ज़्यादा मुझे एट्रैक्टिव ग्राफिक्स वन ट्वेंटी फाइव पर लगे बिकॉज इसका जो ग्राफिक्स है ऑरेंज एंड और व्हाइट कलर्स में आते हैं और थोड़ा सा अपेलिंग लगता है थोड़ा और भी ज़्यादा स्पोर्टी एंड फंकी लगता है uh, जो पहले के ग्राफिक्स तो उससे तो ग्राफिक्स का मामला मैं सच में थम्स अप बिकॉज ग्राफिक्स सच में काफ़ी अट्रेक्टिव है आर सी टू हंड्रेड पर भी अच्छे ग्राफिक्स है लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे आर सी वन ट्वेंटी फाइव के अच्छे लगे सो आप बता देना अबाउट ग्राफिक्स Uh, अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ चेंजेस से तो इंजन के अंदर कोई चेंज नहीं है जो कि इंजन ही है, एक बी एस एस हो चुका है जो कि बट ऑब्वियस है लेकिन वैसे है, कोई टेक्निकल चेंज नहीं है पावर आपको जो है फोटीन पॉइंट फाइव पी का मिलता है एट नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आ एम टॉर्क आपको मिलता है ट्वेल्व न्यूटन मीटर का एट एट थाउजेंड आ एम विच इज वेरी गुड इन सेगमेंट बट मैं क्यों डिसअपॉइंटेड था वो आपको मैं आगे बताऊँगा uh, और uh, इंजन में कोई चेंजेस नहीं मैंने आपको बता दिया है पावर फिगर्स का और जैसा आपको सभी बी एस में मिलता है वैसा आपको इसके अंदर जो है कैटेडिकॉटर मिलता है प्लस ऑक्सीजन सेंसर अभी ये दोनों चीज़ें जो है आपके जो फ्रंट आपका फेयरिंग है वहाँ पर छुपा हुआ है तो वहाँ पर आपको शायद विजिबल ना हो लेकिन आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है कैटेटिक काउटर एंड अगर ओवरऑल बोलूँ तो यार इन शॉर्ट आपकी जो बाइक है ये और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से बी का नाम आया है अब दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ सस्पेंशन की तो सस्पेंशन आपको मिलती है डब्ल्यू के अपसाइड डाउन फॉक्स इन फ्रंट एंड रियर में मिलते हैं डब्ल्यू का मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर जो कि काफ़ी अच्छा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेटअप है ये डब्ल्यू का एंड के जो है अपने सभी बाइक्स में डब्ल्यू पी के शॉकअप यूज़ करती है सो ये जो है बेटर कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अब अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग भी इस बाइक के ऊपर काफी अच्छे सिंगल चैनल लीबेस मिलते हैं फ्रंट में थ्री हंड्रेड का सिंगल डिस्ब्रेक रियर में टू थर्टी एम का एंड टायर की बात करूँ तो फ्रंट सेक्शन जो है हंड्रेड एंड टेन बाय सेवेंटी का है सेवनटीन इंच अलो व्हील्स में एंड रियर सेक्शन है वन फिफ्टी बाय सिक्सटी का विथ सेवनटीन इंच अलो व्हील्स सो so, टायर्स की ग्रिफ काफ़ी अच्छी है सो uh, uh, ब्रेकिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है बिकॉज वन ट्वेंटी फाइव में आपको जो है एक सिंगल चैनल ये पे मिलता है एंड सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा है अभी आपसे मैं बात करता हूँ अबाउट प्राइसिंग दोस्तों इस बाइक का मेरे सिटी में यानी कि पुणे में शोरूम प्राइस है वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ जो कि मुझे थोड़ा तो सा एक्सपेंसिव लगा है अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था एंड इसके लिए इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज दोस्तों आई नो कि जो प्राइसिंग है इस मतलब बाइक में जो आपको सभी प्रीमियम कंपोनेंट्स मिलते हैं लाइक डब्ल्यू पी का शॉकअप उसके बाद में जो है आपको टायर्स भी काफ़ी अच्छे हैं वाइड मिल रहा है इंजन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है इन वन ट्वेंटी फाइव सी सी प्लस सिंगल चैनल ए बी एस लेकिन स्टिल दोस्तों ये जो है एक एक्सपेंसिव बाइक बन जाती है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज अब दोस्तों रिसेंटली आपको पता होगा कि डोमिनार जो है टू फिफ्टी लॉन्च हो चुकी है जिसकी एक्शन प्राइस वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज रखी गई है दोस्तों और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पांच हजार रुपये का प्राइस डिफरेंस है आई नो कि अभी आर और डोमिनार को कंपेयर नहीं किया जा सकता है लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं चाहूँ तो आपको आर के काफी अच्छे अल्टरनेटिव भी दे सकता हूँ लेकिन वो अभी इस वीडियो में नहीं देना है बिकॉज फिर ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो है एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है और अब मैं अगर बात कर के टी की अगर आर सी की तो आर सी और वन में कोई खास डिफरेंस नहीं है सो so, प्राइसिंग के जो है मामले में थोड़ा सा के मतलब आई थिंक ये एक ओवर प्राइज बाइक है अब ये वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी फाइव एक्शोर में ऑन रोड में आपको बोलता तो एक अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा आपको नियर अबाउट वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड के आसपास तो ऐसे में जो है बाइक काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाती है अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दोगे यार तो आर सी टू हंड्रेड ही आ जाएगी जो कि इससे काफ़ी अच्छी है काफ़ी पावरफुल है एंड वो तो भी एक थोड़ा सा प्राइस को जस्टिफाई करता है यानी कि आर सी टू हंड्रेड सो ये एक छोटा सा रीज़न था कि जो इसके वजह से जो मैं इसको बार वीडियो नहीं बना रहा था बाकी यार बाइक काफ़ी अच्छी है बाइक में कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग यहाँ पर मुझे गलत लगी कि यार बाइक को खराब तो यार बाइक बिल्कुल भी खराब नहीं लेकिन यार एक प्राइस नाम की भी चीज होती है कि अगर आपको एक सर्टन बजट दिया और बजट पर बाइक बाय करना है तो आप जो है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है एक प्रोडक्ट बाय करोगे सो दैट्स इट मुझे बस इतना ही बोलना था अबाउट बाइक बाइक के चक्कर में यार गलत मत लेना बाइक काफ़ी अच्छी लेकिन मैं बस मेरा बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट प्राइसिंग एंड बस यार ये एक वीडियो को इतना एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो था अगर आप चाहो तो बता दो मैं इसका फुल रिव्यू भी लेके आऊँगा एंड आर सी टू हंड्रेड का आपको इसके अंदर डिज़ाइन मिल जाता है लाइक आर सी थ्री नाइन्टी का uh, और बस सिटिंग uh, वगैरह जो है सेम आपको मिलता है लाइक आर सी टू हंड्रेड एंड आर सी थ्री नाइन्टी और अब फाइनली दोस्तों मैं आपसे एक बात कर दो अबाउट माइलेज भी बिकॉज माइलेज के लिए भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पे एक्साइटेड थे तो इस बाइक के अंदर जो है आपको 9.5 पॉइंट लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और जो आपको माइलेज मिलता है इन सिटी वो है नियर अबाउट 40 टू तो 42 टू किलोमीटर पर लीटर विच इज़ अगेन वेरी गुड और एक वन ट्वेंटी के सेगमेंट में तो काफ़ी अच्छा है सो वो ही सो वही एक हो गया और ग्राउंड क्लियरेंस भी बाइक का काफ़ी अच्छा है वन का वन फिफ्टी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है सी टाइट एट थर्टी फाइव एम जो कि एक अगर आपकी राइट हाइट जो है फाइव पॉइंट सेवन है तो आप इसको इजीली रेड कर लोगे फाइव पॉइंट सेवन से थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन आप जो एक टेस्ट वर्ट ले सकते हो एंड वहाँ से आप कन्फर्म कर सकते हो कि आप इसको रैड कर पा रहे हो यानी सो so, दट इट दोस्तों ये वीडियो पर इतना ही आई थिंक मैंने आपको सभी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं और बता देना है वीडियो आपको कैसा लगा है और अबाउट uh, प्राइसिंग भी बता देना जो मैंने आपको बताया uh, जो ओवर प्राइस वाला है बस दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर, 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 मतलब कर सकते हो और इंस्टा के एडी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए सो वहाँ से आप टैप करके ज्वाइन कर सकते हो मतलब फॉलो कर सकते हो एंड कोई डाउट वगैरह हो तो वहाँ से पूछ लिया करो रिप्लाई कर, कर दूंगा अल्सो वीडियो जो है लाइक कर दो मैं मिलूंगा कल आपको हमारे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर